एसपी सिटी विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस एलआईयू डॉग स्क्वाड की टीम ने शुक्रवार को दीवानी न्यायालय परिसर की गहन चेकिंग की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। इस दौरान पुलिस ने परिसर में खड़ी वाहनों की चेकिंग के साथ न्यायालय परिसर में घूम रहे लोगों से पूछताछ की। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी ने न्यायालय के बैरक सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की भी चेकिंग की। इस दौरान सीओ कैंट प्रभात राय, प्रभारी निरीक्षक कैंट रवि राय सहित पुलिस के अन्य जवान मौजूद रहे। निरीक्षण के पश्चात गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने कहा कि रूटीन चेकिंग की गई है, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या सामान नहीं मिला है। एसपी सिटी ने कहा, ये सामान है एक रूटीन और नियमित चेकिंग थी न्यायालय परिसर की सुरक्षा के लिए, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लेके, जिसमें एलआईयू की टीम भी थी, जनपद पुलिस के सीओ कैंट, इंस्पेक्टर कैंट, लगभग 10 सब इंस्पेक्टर, पर्याप्त संख्या में आरक्षित थे, डॉग स्क्वाड की टीम भी थी। हम लोगों ने न्यायालय परिसर का पूरा भ्रमण किया। तमाम जो व्यक्ति संदिग्ध टाइप के दिखाई दे रहे थे, कुछ ऐसी वस्तुएं थी, गाड़ियां थी, उसकी तलाशी ली गई। ये हमारी एक रूटीन चेकिंग थी और जिससे आम जनमानस में पुलिस के प्रति विश्वास कायम हो, सुरक्षा की भावना कायम हो, इस चेकिंग का पर्पज यही था। संदिग्ध व्यक्ति इस तरह से कोई नहीं था, लेकिन जिस पे हम लोगों ने अनुमान किया उसकी चेकिंग की गई, उसके पूछे गए आप न्यायालय में क्यों आए हैं, क्या पर्पज आपका आने का है, सामानों की तलाशी ली गई, तो कोई संदिग्ध वस्तु मतलब इस तरह की नहीं मिली तलाशी के दौरान।